बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ शाह, चेयरमैन जामन ग्रुप, सीनियर नायब सदर साउथ रीजन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, एक्स चेयरपर्सन सुप्रीम काउंसिल ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन और प्रेसिडेंट एमडीए रियल्टर्स एसोसिएशन मदारा। दोस्तों, माजी के 20 साल मैं रियल इस्टेट कम्युनिटी और रियल इस्टेट खिदमात से वाबस्ता रहा और पिछले 4 सालों से मैं रियल इस्टेट में कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के शोबे से वाबस्ता हूँ। रियल इस्टेट की कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ हम जामिन फाउंडेशन के तहत रियल इस्टेट और इसके अलावा पाकिस्तान में इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट पे काम करते रहे। पाकिस्तान में आपको किसी किस्म की कोई फिजिकल चैलेंजेस हों, हमने कोशिश की है कि ऐसे तमाम अफराद को मसावी हुकूक मैसर किए जाएं, इनको कारोबार की सहूलियात फराहम की जाएं। हमने इस सिलसिले में जामिन ग्रुप में इनके लिए बाकायदा तौर पे सीटें मुख्तस की और आज हमारे साथ कामयाबी के साथ ऐसे तमाम लोग जो कि बिनाई से महरूम हों या चलने फिरने की सलाहियत से महरूम हों, वो हमारे साथ जुड़े हुए। कामयाबी मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। अगर तसव्वुर ये कर लिया जाए कि हम कामयाब हो गए तो अगली मंजिलों का तायुन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हम अभी भी तकदौ में हैं, अभी भी जिद्दोजहद में हैं, अभी भी अपनी मंजिलों की जानिब बढ़ने के लिए रवा दवा हैं। अल्लाह पाक ने फजलो करम किया कि जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो अल्लाह पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजिशन पर हैं। लेकिन जिसे कामयाब कहा जाए, मैं उस लफ्ज़ की तलाश में आज भी जिद्दोजहद में मसरूफ हूँ। इंसान की बुनियादी दर्जगाह उसकी माँ की गोद होती है, उसके बाप की शफ़क़त और उसकी दी हुई तालीम होती है। मेरा सफ़र भी वहीं से शुरू हुआ। आज भी चंद ऐसे उसूल जिन पर चलते हुए अल्लाह पाक ने हमें आज का ये वक्त दिखाया है, उनमें अपनी कमिटमेंट को पूरा करना, उनमें तमाम लोगों को साथ लेके चलना, जैसे मैंने इंक्लूजन का जिक्र किया, इसी तरह पूरी रियल इस्टेट कम्युनिटी को हम साथ लेके चलना चाहते हैं। यही साथ लेके चलना, किस्मतों का बांटना, नसीबों का जोड़ना, मैं समझता हूँ कामयाबियाँ यहीं से शुरू होती हैं और अल्लाह पाक से दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक हमें इसी रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम चलते रहें और कामयाबियों की जानिब बढ़ते रहें। जब जब आप नए तजुर्बात करोगे तब तब फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा और ये फेलियर्स आपको बताते हैं कि आपकी जिद्दोजहद जारी है। फेल होना कामयाबी की पहली निशानी है, पहला पड़ाव है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमारा ये सफ़र, हमारी ये टेस्टिंग का हौसला सलामत रखे और हम फेलियर से डरे बगैर कामयाबियों की जानिब बढ़ते जाएं। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं इस टाइटल को तो एक्सेप्ट नहीं करता। लोगों की मोहब्बत है कि लोग इस किस्म के मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं। अल्लाह पाक से करम की दुआ कर सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी है उस इज़्ज़त को सलामत रखने में हम अपना भरपूर किरदार अदा करते रहें और लोगों की मोहब्बत इसी तरह से मिलती रहे। बाकी इसका लकब किंग होता है या मजदूर होता है या ग़ुलाम होता है, फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान में जो खिदमात लोगों ने हमें सौंपी हैं वो बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। ज़्यादातर वक्त फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से लोगों की खिदमत में लगता है या एमडीए रियल्टर्स एसोसिएशन मदारा से मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने भी अहबाब हैं जो कि उस प्रोजेक्ट से मुंसलिक हैं, जिसमें 27,000 की तादाद में लोग मौजूद हैं, उनकी खिदमत में लगता है। इसी तरह से ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन से जुड़े जितने भी मामलात होते हैं उनमें खिदमात सरंजाम करते हुए वक्त गुजरता है। जामिन ग्रुप के हवाले से मेरा साथ हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर सरवत शाह साहिबा देती हैं, जो कि मेरी शरीक हयात भी हैं। इसके अलावा मैं फ़ख्र करता हूँ कि मेरे पास ऐसी टीम मौजूद है
कि जिसको जब काम डेलीगेट किए गए हैं वो खुशसलूबी के साथ तमाम कामों को सर अंजाम देते हैं। हमारे पास पूरा एक कॉर्पोरेट कल्चर है, हर डिपार्टमेंट अलग अपने तौर पर काम करता है, तो मेरे गायबाने में वो तमाम तर जिम्मेदारियाँ अदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। जामिन ग्रुप एक ख़ास फिलॉसफी के तहत तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर आया है। प्रोजेक्ट्स का बनाना, प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करना असल मकसद ये नहीं बल्कि इसकी आबादकारी असल हदफ है। हमने जगह का तायुन जब किया, लोकेशन का तायुन किया, तब भी हमने ये देखा कि कौन से अवामिल हैं जो इसको आबादकारी में मददगार साबित होंगे। हमने जब मार्केटिंग की, इसकी मार्केटिंग में हमने तमाम वो सेंटिमेंटल पहलू देखे, उनको डिस्कस और उनकी तशहीर की जिससे आबादकारी को तकवीत मिल सकती थी, जिससे इंक्लूजन को वाजे किया जा सकता था। हमारा मकसद आज भी लोगों के साथ नसीब जोड़ते हुए सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना है, चाहे वो लोग हमारे पास काम करने वाले हों, चाहे वो सेल्स में मददगार हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में मददगार हों, या वो आबादकारी जो कि सबसे बड़ा मरहला होगा उसमें हमारे मददगार हों। जामिन ग्रुप एक ख़ास फिलॉसफी पे काम कर रही है और हमारा हर प्रोजेक्ट उसी की नुमाइंदगी करता है। शहर हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और इस वक्त 7 दहाइयों में जो डेवलपमेंट हैदराबाद में हुई उसमें हमें कॉस्मोपॉलिटन सिटीज जैसी कोई सहूलियात किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में मौजूद नजर नहीं आती। ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमारे सामने फैक्ट आया और हमने हैदराबाद की पॉपुलेशन को, हैदराबाद के शहरियों को एक ऐसा प्रोजेक्ट देने का इरादा बनाया जिसमें उन्हें कॉस्मोपॉलिटन सिटीज की तमाम तर सहूलियात मैसर आए। एक लीज लैंड पे, एक ऐसे लैंड पे जिसकी अप्रोच न सिर्फ हैदराबाद से बल्कि कोटरी और जामशोरों से यकसर आसानी के साथ मिलती हो। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां तमाम फैमिलीज न सिर्फ हाई स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज यूज़ कर सकें बल्कि इंतहाई सेफ और सिक्योर माहौल में अपने तमाम तर घरेलू, तालीमी और कारोबारी मामलात को चला सकें। हमने जामिन आर्केड लॉन्च किया। देखिए, कराची में इस वक्त जामिन ग्रुप के 2 ऑफिसेज हैं, एक हेड ऑफिस है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस है और एक साथ साथ बहरिया टाउन कराची में हमारे जामिन आइकॉन के साथ एक हमने रीजनल ऑफिस भी प्लान किया हुआ है। इस वक्त हैदराबाद में हमारा एक ऑफिस ऑटोबान रोड पे मौजूद है। हमारे आगे के प्लान्स में इंशाल्लाह हम लाहौर, इस्लामाबाद और गवादर जैसी जगहों पे इंशाल्लाह अपने ऑफिसेज प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर दुबई और इंग्लैंड में जल्द आपको ये खुशखबरी सुनाएंगे कि जामिन ऑफिसेज वहाँ भी मौजूद हैं। जामिन ग्रुप के साथ इस वक्त कोई 125 अफराद सेल्स टीम के तौर पे फैमिली का हिस्सा है। हमारा फख्र है तमाम जामिन सेल्स फोर्स, इसको हम जामिन टीम, जामिन फैमिली के नाम से पुकारते हैं। इनके साथ हमारी डेडिकेशन, इनके साथ मोहब्बत और इनका हमारी जानिब खुलूस ये काबिले दीद है। हम अपने एचआर के थ्रू कोशिश ये करते हैं कि इनकी तमाम तर ज़रूरियात को, इनकी तमाम तर माशी ज़रूरियात हो, माशी ज़रूरियात हो, ट्रेनिंग की ज़रूरियात हो, सबको पूरा कर सकें। हमने इनको इंश्योरेंसेस के साथ साथ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त मैसर नहीं है। पिछले दिनों हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर ने तमाम जामिन फोर्स के लिए प्लॉट्स का इजरा किया जो कि हम ये समझते हैं प्राइवेट सेक्टर में अपने तौर पे एक इनफरादी और अनोखा काम था। हमारी जामिन फोर्स हमारा फख्र, हमारी ताकत है। जहाँ तक सवाल है खुश होने का, इंसान
सबसे ज़्यादा खुशी तब महसूस करता है जब उसकी वजह से, वो भी अल्लाह पाक के कर्म की वजह से ही होगा, कोई और शख्स खुश हो जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए कि अल्लाह पाक ने आपको चुना इस काम के लिए। यहाँ अरबों की आबादी में से किसी को भी चुन सकता था। इंसान अगर किसी की मदद कर पाए, इंसान किसी के काम आ पाए, इंसान किसी के लिए भला कर पाए, उस इंसान को लोग दुआ दें, इससे बड़ी खुशी का मरहला, इससे बड़ी खुशी का लम्हा न मेरे लिए है न शायद हो सकता है। नूरियाबाद जिमखाना का जिस वक्त कॉन्सेप्ट परसीव किया गया, होलिस्टिक लर्निंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमने देने की कोशिश की जिसमें हम एक नया माशरा तश्कील दे सकें, हमारी नई जनरेशन को एक नए कॉन्सेप्ट से मुतारफ करवाया जाए और उसकी नशोनुमा, उसकी परवरिश एक ख़ास होलिस्टिक लर्निंग के तहत की जाए। उसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान भर में वो तमाम अफराद जिन्होंने माजी में अपने अपने शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पेश की, उनकी पजीराई की जाए, उनको क्रेडिट दिया जाए जो किसी तरह गुमनामी के अंधेरे में डूब चुके हैं, उनको उभारा जाए। हमने अपने तौर पे CSR कैंपेन्स के थ्रू कोशिश ये की कि पाकिस्तान से ऐसे नगीने तलाश करके लोगों तक उनको पहुंचाया जाए, और आज भी हमारी टीम इन्हीं लोगों की तशहीर के लिए, इनकी खिदमात को लोगों तक मुतारफ करवाने के लिए अपनी CSR कैंपेन रन कर रही है। पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में यूथ की तादाद है जिनकी उम्रें 25 साल से कम है 70% से ज़ायद है। बढ़ता हुआ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन एक पॉइंट की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान में हाउसिंग की रिक्वायरमेंट में इजाफा होता चला जाएगा। ये इजाफा रियल एस्टेट के कारोबार के लिए, कंस्ट्रक्शन के कारोबार के लिए एक नवीद से कम नहीं। पाकिस्तान में माजी में 7 दहाइयों में जो अर्बनाइजेशन हुई, जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बनता और बढ़ता चला गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान में हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, और आज जो जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई है, हम माजी में हुई ग्रोथ को कई गुना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में रियल इस्टेट का कारोबार आबोताब के साथ चमकता चला जाएगा। इसकी एक वजह पाकिस्तान में बनने वाले नए रेगुलेशंस भी हैं। पाकिस्तान पे इन्वेस्टर्स का एतमाद, पाकिस्तान पे ओवरसीज पाकिस्तानीज का एतमाद इंशाल्लाह इस कारोबार में मज़ीद इजाफे का बायस बनेगा। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान रियल्टीज काउंसिल और रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मराती पैकेजेस इंशाल्लाह रियल एस्टेट के कारोबार को नेक्स्ट लेवल अचीव करने में मददगार साबित होंगे। मेरी दुआ है और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े तमाम अफराद जो कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं या सर्विसेज की फील्ड में हैं, वो नई टेक्नोलॉजीज पे काम करें, नए तरीक़ेकार को मुतारफ़ करवाएँ, लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंसिस से, नए तजुर्बात करते हुए इस पूरी कम्युनिटी को एक नई मंजिल की जानिब ले जाने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर है एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान में माजी में कभी रियल एस्टेट सेक्टर इस कदर टेक्निकलिटीज में, इस कदर चैलेंजेस का शिकार नहीं था। आज रियल एस्टेट सेक्टर में जहां एक तरफ ग्रोथ है, वहां दूसरी जानिब टैक्सेस और इंटरनेशनल फैक्टर्स पाकिस्तान में रियल एस्टेट के कारोबार पे काफ़ी हद तक असरअंदाज होते हैं। इस सिचुएशन में जो नई जनरेशन है उसके लिए इंतहाई अहम है कि वो रियल एस्टेट की बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करे, बाकायदा रियल एस्टेट की एजुकेशन के साथ साथ टैक्सेस और इकोनॉमिक्स के मामलों में भी अपनी ग्रिप मजबूत करें। हम ये समझते हैं कि ये ग्रोथ जो इस वक्त पाकिस्तान में बेतहाशा रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूद है, उसका मेजर हिस्सा एक इंतहाई स्किल्ड
एक इंतहाई एजुकेटेड क्राउड के पास इंशाल्लाह पहुंचेंगे। ज़ामिन ग्रुप में न सिर्फ सेल्स बल्कि इन हाउस डिज़ाइन टीम भी मौजूद है जो कि डिज़ाइन प्रो के नाम से काम करती है, और ये डिज़ाइन प्रो हमारे हरावल दस्ते के तौर पे अपना किरदार अदा करती है। किसी भी प्रोजेक्ट की पहली इमेजिंग, उसको कंसीव करना, उसको डिजिटली कन्वर्ट करना, इवेंट्स कराना, ये तमाम काम हमारी ज़ामिन डिज़ाइन प्रो की टीम सर अंजाम देती है, और हमें फ़ख्र है अपनी टीम पे, उसकी स्किल्स पे फ़ख्र है, उसकी डेडिकेशन पे और उसकी अनथक मेहनत पे फ़ख्र है कि ज़ामिन की जानिब से जितने इवेंट्स कराए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने तौर पे कामयाबी की नई मंजिलें तय करते चले जाते हैं।